नमस्कार, मैं श्रुति अंगद और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। धरना अनशन से सरकार से बड़ी बड़ी मांगे मनवाई जाती रही है, लेकिन जमाना नया है तो धरने का इस्तेमाल भी नई नई मांगों के लिए हो रहा है। कन्नौज में एक प्रेमिका ने तो धरने के बदौलत मनचाहा पति पा लिया। जी हाँ, यह प्रेमिका प्रेमी से शादी करने के लिए उसके घर के बरामदे में 10 दिनों तक धरने पर बैठी रही। इसके बाद तो प्रेमी के घर वाले को मानना ही पड़ा। इस धरने वाली शादी की खूब चर्चा हो रही है। धरना देकर पति पाने वाली इस युवती का नाम शिवा यादव है। इटावा की शिवा 50 किलोमीटर का सफर तय कर कन्नौज के सौरिक गांव पहुंची और अनुज यादव की चौखट पर डेरा डाल कर बैठ गई। बताते हैं कि इटावा की मर्थना कोतावली के नगला अजीत गांव की रहने वाली शिवा यादव नगला विशुना निवासी अनुज यादव के बीच वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिवारों को भी इस प्रेम संबंध के बारे में पता था, लेकिन अनुज के घर वाले शिवा को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। अनुज ने भी अपने घर वालों के सामने हार मान ली थी, लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी। वह अनुज के बरामदे में धरने पर बैठ गए। 13 मई को जब शिवा अनुज के घर पहुंची, तो अनुज के घर वाले दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हो गए। उन्हें लगा था कि कुछ देर बाद शिवा चली जाएंगी, लेकिन शिवा तो वहीं जम गई। इस बीच मीडिया को पता चला तो शिवा का धरना सुर्खियों में आ गया। इधर अनुज के घर वाले कब तक घर से दूर रहते, जबकि शिवा तो 10 दिनों तक टस से मस नहीं होने वाली थी। आखिरकार रिश्तेदारों ने पहल की और दोनों परिवारों को इस शादी के लिए राजी किया। इसके बाद सकरावा के बालाजी मंदिर में यह शादी संपन्न हुई। हालांकि तब भी अनुज के माता पिता इस शादी में शामिल नहीं हुए। शिवा के पिता सतीश यादव ने जरूर अपनी बिटिया का भरपूर साथ दिया। शादी के बाद शिवा ने मीडिया का भी आभार जताया। इसके कारण उसके धरने की खबर फैली और रिश्तेदारों पर दबाव बना। धरने वाली शादी के साथ ही शिवा इलाके में चर्चा में बनी हुई है। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। अगर यह वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।